हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में माननीय एफटी के एक बेमिसाल फैसले के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं देखिए कई बार ऐसा होता है कि बिना पूरी कार्रवाई किए हुए सैनिकों को सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाता है डिसमिस कर दिया जाता है कभी कोई रेडिंग का बहाना बनाया जाता है कभी कुछ और एक्सक्यूज़ दिए जाते हैं लेकिन उनको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उनकी पेंशन पकने से पहले और उनको पेंशन के बेनिफिट्स जो हैं नहीं मिल पाते हैं देखिए एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट केस मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ जहाँ पर एक सैनिक को आठ साल सर्विस के बाद जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसको कोई भी उसके बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं देखिए उन्होंने अपना केस लड़ा और माननीय ए में जो जजमेंट आया वो जजमेंट वास्तव में एक बेमिसाल जजमेंट है जैसा मैंने आपके सामने दिखाया हुआ है यहाँ पर उनको देखिए पेंशनरी बेनिफिट्स सी एस डी ई सी एच एस और जो भी ई एस एम एस ई एस एम स्टेटस है वो देने की यहाँ पर बात की गई है अगर ऐसा नहीं होता है तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि आठ परसेंट इंटरेस्ट और बहुत सारी बातें बताई गई हैं तो आज हम जानेंगे इस केस के बारे में आप सभी को इस केस के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए तो चलते हैं अपने केस की तरफ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें देखिए यह है वो जजमेंट ओ ए नंबर 226 2020 का ए लखनऊ अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ऑर्डर है ये रिजर्व रख लिया गया यानी जजमेंट रिजर्व रख लिया गया है जजमेंट आ चुका है ऑफिशियली जो आएगा तब यहाँ पर डेट डाल दी जाएगी देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक्स सिपाही थे धर्मेंद्र सिंह बड़ोडिया जी इन्होंने ये केस दायर किया था यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो ए डी जी पी एस हैं पी एस फाइव ऑफिसर इंचार्ज रिकॉर्ड्स पी सी डी ए और कमांडर एक सौ पंद्रह इन्फेंट्री ब्रिगेड के जो हेडक्वार्टर के कमांडर हैं उन सबको यहाँ पर उन्होंने जो है अपने केस में दायर किया था देखिए इन्होंने अपने बारे में बताया कि देखिए जो 2008 में मुझे डिस्चार्ज करने का डिसमिस फ्रॉम सर्विस करने का जो ऑर्डर था उसको कैंसिल किया जाए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है और जो मेरी यहाँ पर ओए है उसको अलाउ किया जाए तो देखिए अगर इस केस के बारे में बात करें तो कि ये केस जो है 11 साल बाद यहाँ पर दायर किया गया था इन दिस एप्लीकेशन प्रेयर हैज़ बिन मेड टू नोशनली री इंसिस्ट द एप्लीकेंट इन सर्विस एंड ग्रांट हिम सर्विस पेंशन देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि देखिए नोशनली उनको सर्विस में लिया जाए और उनको तब तक सर्विस में माना जाए जब तक कि उनसर, उनकी जो पेंशन की एज थी सर्विस पेंशन जब तक ना मिले इतनी सर्विस ना हो जाए यानी उसका उनको कोई भी बेनिफिट ना मिले लेकिन उनको जो है पेंशनरी बेनिफिट्स दिए जाए जिस डेट से उनको मिलने थे और वो डेट फिक्स की जाए यहाँ पर उन्होंने ऐसा अपनी याचिका में बोला था तो देखिए तो अगर हम केस की बात करें तो इंडियन आर्मी में उन्नीस में भर्ती होते हैं उसके बाद लोकली डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं सर्विस पे क्योंकि उनकी 2008 तक यानी टोटल मिलाकर अगर हम देखें आठ साल में चार रेडिंग एंट्री हो जाती हैं और इन्होंने यहां पर रूल दिया आर्मी रूल थर्टीन थ्री थ्री फोर नाइनटीन फिफ्टी फोर के तहत उनको बताया कि ये अनडिजायरेबल सोल्जर हैं आफ्टर रेंडरिंग एट ईयर्स एंड फोर मंथ ऑफ सर्विस उन्होंने देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास बत, मांगा कि देखिए मेरी सर्विस पेंशन शुरू होनी चाहिए लेकिन बताया गया कि आपकी जो मिनिमम पेंशनरी सर्विस एज है 15 इयर्स वो आपने कंप्लीट नहीं की है इसीलिए आपको जो पेंशन नहीं दी जा सकती है देखिए उन्होंने बताया कि जब वो सर्विस में थे उन्होंने बहुत से ऐसे आप आर्मी ऑपरेशन थे जिसमें पार्ट लिया था जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम हो आसाम में ऑपरेशन राइमनो हो ऑपरेशन हिफाजत हो मणिपुर में देखिए और उनको अवार्ड एस एस एम एंड ऑपरेशन पराक्रम मेडल तब उनको देखिए ऐसी कंडीशन में रेडिंग के एंट्री के आधार पर सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाता है अनडिज़ायरेबल सोल्जर यानी इनकी अब कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो जैसा ये सारी केस मैं आपको बता चुका हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कोर्ट ने जो माना कोर्ट ने माना देखिए ये जो केसेस हैं इसके ऊपर देखिए ऑलरेडी एक अपेक्स कोर्ट यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था यहाँ पर इन्होंने देखा उसके भी यहाँ पर इन्होंने हवाला दिया और उनको बताया देखिए ये जो कंडीशंस है कि अगर चार रेडिंग एंट्री है तो ये लीगली बाउंड नहीं है कि अगर चारिंग एंट्री हो जाती है तो आप उनको सर्विस से डिस्चार्ज कर सकते हैं और देखिए यहाँ पर उनको कोई भी शोकेस नोटिस नहीं दिया गया था और जो चैनल था वो चैनल भी प्रॉपर फॉलो नहीं किया गया था यानी देखिए इसमें बहुत सारे लो फॉल्स थे जो यहाँ पर कोर्ट ने माना जैसे आप इन यहाँ पर ऑर्डर में देख सकते हैं जब इतने सारे लो फॉल्स थे और कोई लीगल बाउंडेशंस भी नहीं थी कि अगर चार डिंक एंट्री हो जाएंगी तो देखिए आपको उनको सर्विस से निकालना ही है और आपने उनको सो कोर्स नोटिस भी नहीं दिया तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उनको सर्विस से निकाला गया फाइनली देखिए कोर्ट ने यहाँ पर माना कि हाँ देखिए उनको डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस कंसिक्वेंट टू फोर डेंट एंट्रीज इज नॉट ए मैंडेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट इन सच केसेस कमांडिंग ऑफिसर मस्ट कंसीडर द नेचर ऑफ ऑफेंसेस फॉर विच ईच रेडिंग कैंट्री हैज़ बिन अवार्डेड कि ये जो चार रेडिंग कैंट्री हैं किस केसेस पे दी गई हैं किस बेस पे दी गई हैं ये सब चीज़ें उनको देखनी थी और फाइनली देखिए जो उनकी ओए थी उसको अलाउ किया जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे उनको बताया जाता है कि देखिए आपको वापस सर्विस में जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे उनको यहाँ पर ये भी बोला गया रेस्पोंडेंट्स को कि देखिए ई सी एच एस सी एस डी और जो भी एक्स सर्विस मैन स्टेटस है वो भी यहाँ पर उनको प्रॉपरली मिलने चाहिए अगर फिर भी उनको देखिए देरी होती है पेंशन मिलने में या किसी भी चीज़ में तो उस पर आठ परसेंट पर एन ब्याज की बात भी यहाँ पर माननीय एफ ने कही है देखिए अपने आप में वास्तव में एक बेमिसाल जजमेंट है और देखिए यहां पर ए में ग्यारह साल बाद ये गए थे और ग्यारह साल बाद जाने के बाद तीन साल उन्होंने यहां पर केस लड़ा और उसके बाद फाइनली उनको जो है जीत हासिल हुई और अब उनको देखिए वापस नोशनली सर्विस में लिया जाएगा और 2008 में वो रिटायर हुए थे 2015 से लेके अब तक उनको जो है पेंशनरी बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे तो ये था आज का जजमेंट अगर आपको अच्छा लगा तो देखिए वीडियो को शेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे आपसे जय हिंद जय भारत